नमस्कार, सिमसच में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित जिला कोंडा गांव में मंगलवार की दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया। बता दें कि मरने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। इसी के साथ छानबीन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ का कोंडा गांव एक नक्सल प्रभावित जिला है, जहां मंगलवार की दोपहर को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने एक महिला नक्सली सहित दो नक्सलियों को मार गिराया और कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मुठभेड़ के बाद छानबीन के दौरान जवानों ने दोनों नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया है, साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल मरने वाले दोनों नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईजीपी सुंदरराज के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर डीआरजी टीम कुएमारी के जंगलों में छानबीन के लिए निकली थी और जंगलों में पहले से मौजूद दर्जनों नक्सलियों ने जवानों को देखते ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। नक्सलियों के हमले पर सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। बता दें कि ये मुठभेड़ करीब एक घंटे तक चली और इसी बीच कई नक्सली वहां से फरार हो गए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद जब जवानों ने जगह की तलाशी ली तो वहां एक महिला नक्सली समेत दो नक्सलियों के शव मिले, साथ ही एक एसएलआर राइफल, एक 303 राइफल और 12 बोर की तीन बंदूक बरामद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोंडागांव जिले के एसपी सिद्धार्थ तिवारी के अनुसार इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, जिन्हें उनके साथी अपने साथ लेकर भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों और खबरों के साथ। तब तक ले आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नमस्कार।